नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में नियोजित शिक्षक सरकार की परेशानियां बढ़ा सकते हैं। दरअसल बीएसईबी की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कब ली जाएगी, यानी कि जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। लेकिन इसके बाद नियोजित शिक्षकों के द्वारा ये कहा गया है कि वे इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, जिसकी वजह से बिहार बोर्ड की परीक्षाएं लेने में काफी दिक्कतें भी आ सकती है और सरकार को इससे परेशानियां भी हो सकती है। पूरी खबर क्या है वो आपको विस्तार से बताते हैं, साथ ही साथ ये भी समझाते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने एक बार फिर मैट्रिक और इंटर परीक्षा से पहले कार्य बहिष्कार पर जाने का ऐलान करते हुए नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी कर रहे शिक्षकों की मांग पर सरकार ने कुछ दिनों पहले ही 15% वेतन वृद्धि का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन अब तक शिक्षकों को ना तो बढ़े हुए वेतन की राशि मिली है और ना ही एरियर का भुगतान हुआ है। पूरे मामले को लेकर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने कल सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ने फैसला ले लिया कि जनवरी तक अगर शिक्षकों को एरियर और वेतन वृद्धि की राशि नहीं मिलेगी तो राज्य भर के 3.5 लाख प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक 1 फरवरी से आयोजित इंटर और 17 फरवरी से आयोजित मैट्रिक परीक्षा के दौरान कार्य बहिष्कार करेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक 15% बढ़े हुए वेतन का भुगतान 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि होगी, जिसमें पंचायती राज और नगर निकायों के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए 5,200 से 20,200 के वेतन मान के साथ ग्रेड पे क्रमशः 2,000, 2,400 एवं 2,800 लागू है। शिक्षकों को सरकार के कैलकुलेटर वाले फैसले पर नाराजगी है, जिसमें शिक्षा विभाग ने कहा है कि वेतन निर्धारण के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार किया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों की माने तो इससे पहले भी शिक्षकों के ट्रांसफर के नाम पर 2 साल से सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर तैयार करने का बहाना बनाया जा रहा है। ऐसे में कार्य बहिष्कार के अलावा अब शिक्षकों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। शिक्षकों ने सरकार को जनवरी तक मांगे पूरी करने की मोहलत भी दे दी है। तो आपने देखा कि क्यों आखिरकार नियोजित शिक्षक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का बहिष्कार करने वाले हैं। हालांकि डेट शीट जारी कर दी गई है बिहार बोर्ड की तरफ से, लेकिन नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि जब तक उन्हें वेतन बढ़ा हुआ नहीं मिलता है तब तक वे इस चीज में शामिल नहीं होंगे। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही 15% वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया था और ये चीज जो है अप्रैल 2021 से ही लागू होकर शिक्षकों को मिलने वाली थी, लेकिन अभी तक उन्हें बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से सरकार के साथ उनकी नाराजगी है और इस नाराजगी की वजह से उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में वे लोग नहीं शामिल होने वाले हैं। यानी कि इन्विजिलेटर के तौर पर और तरह तरह के काम होते हैं टीचरों के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में, चाहे वो क्वेश्चन बनाने को लेकर हो, सेंटर पर रहने को लेकर हो, इन सभी चीजों में वे लोग शामिल नहीं होने वाले हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।